जैसे कि हम हर जगह पे सुनते हैं, हमेशा दिल की बात होती है, जिगर की बात कोई नहीं करता, लेकिन जिगर भी जो है जिस्म का एक लाजमी उज्व है और ये इसका काम करना बहुत ज़रूरी होता है। इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हकीम हाफिज़ अल्तान सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे बताइए कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जिगर जो है मुकम्मल तौर पर काम कर रहा है या नहीं? जी, पहले तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, अगर जिगर हमारा सही तरह अगर काम कर रहा है तो वो जो इंसान है वो हशाश बशाश आपको नज़र आएगा, चेहरे पे उसको आपको रौनक नज़र आएगी और उसका जो है मतलब तमाम निज़ाम इन्हज़ाम उसका जो है ना वो दुरुस्त जो है ना ठीक होगा जी। और अगर जिगर की ख़राबी के अमाल की तरफ अगर हम देखें तो अगर जिगर रंग जर्द हो जाए या सही माइल अगर इंसान का चेहरा अगर होना शुरू हो जाए तो सही पता चलेगा उसका जिगर ठीक काम नहीं कर रहा। और इस तरह अगर इंसान कोई भूख अगर बंद हो गई है और नींद सही तरह पूरी नहीं हो रही इंसान की, या इंसान को अमूमन मतली कैब वगैरह आ रही है, दिल ख़राब हो रहा है, तो हम कहेंगे इसका जिगर जो है वो ठीक तरह काम नहीं कर रहा। इसी तरह अगर जिस्म में ख़ारिश और एलर्जी की शिकायत रहे और जिस्म पे अगर दाने वगैरह अगर निकलते हैं, अमूमन चेहरे पे लोगों के दाने निकल आते हैं, तो ये भी जिगर की ख़राबी की वजह से अमूमन। अच्छा, अगर जिस्म पे एलर्जी वगैरह या ख़ारिश रहती है तो इसका मतलब ये है कि आपका जिगर सही तरह से काम नहीं कर रहा। जिगर आपका ठीक तो जो हम कहते हैं कि जिस्म पे खुश्की गर्मी हो गई है, इस तरह से इसका कोई ताल्लुक नहीं होता? नहीं, इसका भी ताल्लुक है जिगर, जिगर का। अगर जिगर अगर देखें हमारा अगर जिगर में गर्मी अगर हो जाती है तो भी चेहरे पे दाने वगैरह जो है निकल आते हैं, और अगर जिगर तस्कीन की हालत में चला जाए यानी जिगर अगर ठंडा हो जाता है तो उस सूरत में हमारे जिस्म के अंदर जो है ना वो खुश्की हो जाती है, हमारे जिस्म के अंदर जो है ना वो बाज़ का ख़ारिश भी लोगों को होना शुरू हो जाती है और भी बहुत सारी बीमारियां जिस्म के अंदर जो है ना वो पैदा होना शुरू हो जाती है वो हीटअप की वजह से। जी, जिस्म की गर्मी की वजह से जो है ना और अलग बीमारियाँ पैदा होती हैं, जिस जिगर अगर ठंडा हो जाता है तो उसके लिए जिस्म में अलग बीमारियाँ जो है वो पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी से पता कैसे होता है जिगर ज़्यादा बात जाकर ठंडे मशरूबात अगर आप इंसान ज़्यादा अगर पीता रहता है, सर्दी की वजह से ज़्यादा ठंड अगर पड़ रही है उसकी वजह से भी जिगर जो है वो ठंडा हो जाता है। अच्छा। और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करते रहना, जामिशीरी शरबत वगैरह अगर इंसान ज़्यादा पी रहा है, गन्ने की रो अगर इंसान ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इसकी वजह से भी जो है वो जिगर जो है वो इंसान का तस्कीन यानी ठंडी हालत में चला जाता है और जिसम में कड़ल पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसम सुस्त हो जाता है, ढीला हो जाता है और बहुत सारी और भी बीमारियां जैसे जोड़ों का दर्द वगैरह इंसान को होना शुरू हो जाता है। तो इसके क्या? अच्छा, जोड़ों का दर्द, इसके सिम्टम्स वगैरह इस, इसकी बात इसी इसकी वजह से भी होता है, जिगर ठंडा होने की वजह से भी। ठीक है, तो मुझे जिगर की अहमियत बता दें। जिस तरह से हम दिल का सुनते हैं कि दिल किस तरह से हार्ट को पम्प करता है या जो भी उसका होता है, अब मुझे जिगर की अहमियत। जी, जिगर के जो अफाल हैं, जिगर की जो हमारी बॉडी के अंदर अहमियत है, इंसानी जिस्म के अंदर ये एक फैक्ट्री की मानिंद काम करता है और बहुत सारे कीमियाई अज्जा जो है जिस्म के अंदर जो वो जिगर पैदा करता है, जैसे सबसे पहले जिस्म के अंदर जो है वो विटामिन्स पैदा करना, ये जिगर माइल प्रोडक्शन, जी ये जिगर पैदा करता है, फिर उसके मादनियात का पैदा करना, फौलाद का पैदा करना और शक्कर को जिस्म के अंदर ज़खीरा करता है। और इस तरह अगर हम शक्कर को, जी शक्कर को भी जिस्म के अंदर ज़खीरा करता है, और अगर हमारा जिगर मतलब अगर मुंजमिद हालत में अगर खून चला गया है तो उसके लिए ज़रूरी प्रोटीन जो है ये जिगर ही जो है जिस्म के अंदर पैदा करता है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो बीमारी से लड़ने के लिए जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त जो है वो भी जिगर जो है पैदा करता है। बाज़ का ऐसा होता है कि जिस्म के अंदर जहरीले केमिकल्स कुछ पैदा हो जाते हैं, वो जिगर ही उनको बॉडी के अंदर से खारिज करता रहता है। और जब हम खुराक खाते हैं, खुराक के जो गज़ाई अज्जा है उनको जो जिस्म के अंदर जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे विटामिन प्रोटीन्स वगैरह, ये भी जिगर ही जो है जिस्म को पहुँचाता है और जिस्म के अंदर तवानाई जो है ये जिगर पैदा करता है, एनर्जी जो है जिगर पैदा करता है। और अगर जिगर आपका जिस्म अगर हल्का अगर गर्म रहता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जिगर जो है वो ठीक काम कर रहा है, दुरुस्त हालत में है। अगर जिगर आपका जिस्म बिल्कुल ठंडा होना शुरू हो जाए, हाथ पांव ठंडे हो जाएं, ठंडे पसीने आना शुरू हो जाए, दिल डूबना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये है कि आपका जिगर जो है वो दुरुस्त हालत में नहीं है, इसलिए फिर आपको जो नाम इसका इलाज मुआलजा वगैरह करवाना चाहिए। तो लिहाजा ये जिस्म के अंदर हरारत भी जो है वो हरारत को बरकरार रखता है, जिस्म मतलब कि जिस्म का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखता है, जिस हालत में होना चाहिए उस तरह से रखता है। तो जिगर को बेहतर करने के लिए हम अपनी डाइट में या फिर किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं? देखिए, जिगर को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो है अपनी खुराक जो है वो ठीक करनी चाहिए। अमूमन हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसके लिए हमें कद्दू, टींडे और गाजर, मूली और जो है पत्तों के साथ ये हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, और उसके अलावा दाल माश, दाल मूंग और काबली चने जो हैं ये हमें इस्तेमाल करने चाहिए, जिगर के लिए बहुत अच्छे फ़ायदेमंद हैं। और फलों में अगर हम आ जाएं तो अनार, अमरूद और अनानास, माल्टा, मौसमी, पपीता, आड़ू और जो है मीठा जो अमूमन चूसने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत, हाँ जी,
ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिगर के लिए, ये बुखार को भी ख़त्म करता है। और अगर मशरूबात में अगर हम आ जाएं तो जिगर के लिए जो है शरबत संदल बहुत अच्छा है, और एक गौरमे कंपनी का एक शरबत जाँ है उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, जिगर के लिए बहुत कारामद चीज़ है। और क्या कहते हैं, लस्सी आप पिए, चाटी की लस्सी, दही की लस्सी, सत्तू आप इस्तेमाल करें, ये भी जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ख़ासकर बकरी का जो दूध है वो जिगर के लिए माशाल्लाह आब हयात है, बहुत ज़्यादा इससे जिगर को फ़ायदा होता है। अच्छा, जिगर आब हयात है वो जिगर, हाँ, बहुत ही ज़्यादा फुकाहे कराम जो है हुक्मा हजरात ने बहुत ज़्यादा फ़वाद इसके जो है लिखे हैं। और साथ गाय का दूध भी, ये भी जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये हमें पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका जिगर जो है वो सेहतमंद रहेगा, जिगर आपका ठीक रहेगा, दुरुस्त हालत में जो है वो आपका जिगर रहेगा। और अगर आप फास्ट फूड अगर आप हम अगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा जिगर जो है वो मुतासिर होना शुरू हो जाता है। अगर आप जैसे तली हुई चीज़ें अगर आप ज़्यादा खाते रहते हैं, आप जो है गर्म अशिया ज़्यादा पीते रहते हैं और खाते रहते हैं गर्म अशिया, इससे हमारा जिगर जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। ख़ासकर जो हमारे भाई जो नशा आवर अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करते हैं, शराब पीते हैं, कोई भी किसी किस्म का भी नशा करते हैं, ये सबसे पहले ख़ासकर शराब और आइस जो है ये हमारे जिगर को डैमेज कर देती है। इत्तदाल में रहकर जो काम किया जाए ना वो बेहतर है, किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है वो ऑब्वियसली बुरी ही है। जी ज़ाहिर बात है, अगर इत्तदाल में रहेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत भी इसके साथ अच्छी रहेगी। और जिगर ये आज़ाए रईसा है, हमारी पूरी बॉडी के तीन आज़ा हैं, दिल, दिमाग और जिगर, इसको हयाती उज्व भी कहा जाता है। हयाती उज्व, हाँ, क्योंकि ये अगर जिस्म का बीमार होता है तो इंसान की ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाती है। अगर ये ख़राब हो जाए तो इंसान के अंदर बहुत सारी बीमारियां जिस्म के अंदर जो है वो जन्म लेना शुरू कर देती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान जिगर की ख़राबी की वजह से मौत के मुंह में भी चला जाता है। बिल्कुल, इस तरह से अल्लाह पाक सबको महफूज रखें। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर जो हेपेटाइटिस हम बात करते हैं, HIV, ABC, ये जो चलता है, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, इसको रिवर्स किस तरह से किया जा सकता है? ठीक, अच्छा, पहली बात तो ये कि हेपेटाइटिस जो है ये अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसे उर्दू के अंदर जिगर की सोजिश कहा जाता है। जिगर के ऊपर जब सोजिश हो जाती है तो उसी को हेपेटाइटिस कहा जाता है। बेसिकली ये एक वायरस है और ये इसकी अकसाम तकरीबन 5 अकसाम जो है वो किताबों के अंदर लिखी हैं, हेपेटाइटिस A, B, C, D और F। इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो वायरस है वो हेपेटाइटिस सी और बी है जी, ठीक है। और इसी को आम जबान में लोग काला यरकान और पीला यरकान हाँ भी कह देते हैं, जबकि ये काला यरकान ये तो हमारे सदियों से चलते हुए अल्फाज हैं, और हेपेटाइटिस बी और सी इसी को जो है काला यरकान कहा जाता और है, और ए को पीला, हाँ, ए को जो है वो पीला का यरकान कहा जाता है। तो ये अमूमन लोगों को हो जाता है, अगर आप हो कहें तो ये आम जो यरकान लोगों को काला यरकान हो जाता है, जो नया नया जैसे अमूमन बच्चों को हो जाता है, किसी को हो जाता है, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा एक मैं लेकर आया हूँ, कहते तो मैं अभी दिखा बता जी, देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है काले यरकान का या पीले का? नहीं, काले यरकान का जो जो ना ये आम जो मतलब पीला यरकान जो आम जो लोगों को हो जाता है जी जी, ठीक है, उसके लिए ये कासनी के बीज हैं, इसको तुख्मे कासनी भी कहा जाता है, और ये इसके साथ जो है वो नीलोफर के फूल हैं, ये नीलोफर के फूल हैं। आप इन दोनों चीज़ों को आपने रात को मिट्टी का एक कुज्जा ले लें, ओके, और उसके अंदर थोड़े से ये इतनी सी एक मुट्ठी बस आप जो है वो नीलोफर के फूल ले लें, और एक बड़ा चम्मच जो है कासनी के बीज जो है उस पानी के अंदर डाल दें। कम से कम पानी जो है वो 2 गिलास होना चाहिए, 2 गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच तुख्मे कासनी डाल दीजिए, और थोड़े से नीलोफर के जो है ना ये फूल, और गिनती के डालने हैं तो 10 अदर डाल लेने, तो इस तरह मुट्ठी के अंदर जितने आपके आते हैं वो आप डाल दीजिए। और इसके अंदर अगर आप आलू बुखारा डालना चाहें तो 3 से 4 पीस आलू बुखारे के भी डाले जा सकते हैं। ये रात को पानी के अंदर भिगो के आप रख दें, और सुबह इनको अच्छी तरह मल छान लें, इसको अगर मदानी के साथ अगर आप अच्छी तरह रगड़ लें तो इसका सारा का सारा जो है वो गुदा सारा असर जरा पानी के अंदर आ जाएगा, और ये एक ब्राउन से कलर का पानी बनेगा, और इसको अच्छी तरह पुन छान कर आप सुबह खाली पेट जो है वो पिएं। 1 गिलास सुबह के टाइम पी लें खाली पेट, और 1 गिलास दोपहर के टाइम आप फ्रिज में रख दें आप पी लें। इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह आम जो यरकान लोगों को जो हो जाता है जिसे हम पीला यरकान कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन सिर्फ इसे इस्तेमाल कर लें। 15 दिन इसे आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का जो है वो पीला यरकान जो है जिस्म के अंदर से ख़त्म हो जाता है मुकम्मल तौर पर। इससे जिगर अल्हम्दुलिल्लाह इंसान का सेहतमंद जो है वो हो जाता है। आप इसके इस्तेमाल साथ जो है वो इंसान को परहेज़ भी करना पड़ेगा। अगर हम परहेज़ नहीं करेंगे, क्या होता है इस पे? हाँ, इसके अंदर जो परहेज़ है, सबसे पहले तो इंसान को चाहिए कि अगर उसको यरकान अगर हो गया है तो उसको सुर्ख मर्चे जो हैं और नमक जो है वो छोड़ देना चाहिए। अच्छा। अपनी हांडी के अंदर जो है वो सब्ज़ अपना बड़ी इलायची ले लें, सफ़ेद ज़ीरा ले लें, और खुश्क धनिया ले लें,
और साथ काली मिर्चें, ये चार चीज़ें लेकर इनको बराबर वजन ले लें, इनको पीस के रख लें। ये मसाले के तौर पर अपने सालन के अंदर जो है इंसान इस्तेमाल करें। और अगर आप नमक खाने के दारी बाद हर मंदा शौकीन होता है, तो नमक जो है वो जिगर के मरीज़ के लिए शदीद नुकसानदेह है, ख़ासकर जो पीला यरकान वाला मरीज़ है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। नमक की जगह से आपको जो है ना, आप पंसारी की दुकान से जो खार ले लें। क्या ले लें? जो खार। जो खार, हाँ जो खार ले लीजिए पंसारी की दुकान से, वो उसको पीस के अपने पास रख लें। ये नमक का काम करेगा, ये नमकीन होता है और ख़ासकर जिगर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आप दोबारा से नुस्खा रिपीट कर दें, नाम तो बड़े अच्छे हैं, कासनी और नीलोफर। जी, इसके अंदर जो है ये कासनी के बीज हैं, कासनी के बीज ये मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, और साथ जो है ये नीलोफर के फूल है। नीलोफर के फूल, नीलोफर के फूल आपने लेने हैं। और आप रात पानी मिट्टी का एक कुज्जा ले लीजिए, उसके अंदर नीलोफर के फूल 10 से ज़्यादा तकरीबन डाल दीजिए, या इतने मुट्ठी के अंदर जितने आए वो आप डाल दीजिए। और एक बड़ा चम्मच खाने वाला जो है एक कासनी तुखमे कासनी जो है यानी कासनी के बीज, इसका डाल दीजिए और रात पानी में इन सारी चीज़ों को भिगा रहने दें। सुबह इनको अच्छी तरह मल छान कर जो है आप इसे पुन कर जो है इसको सुबह एक गिलास पी लीजिए, यानी दो गिलास पानी में आपने भिगोया इसको, एक गिलास आपने सुबह पी लेना है खाली पेट, और एक गिलास आपने दोपहर के टाइम आपने पी लेना है। और ये कासनी अल्हम्दुलिल्लाह जिगर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक ये फरमान निशान है कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि जिस दिन जन्नत के पानी में से कासनी के ऊपर कतरे ना गिरते हों। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी प्रोडक्ट है, ऐसी इतनी अच्छी। क्या फ़ायदे हैं कासनी? बेसिकली ये जिगर के लिए है, जिगर की गर्मी को दूर करती है। अमूमन जिन लोगों को जिगर में गर्मी हो जाती है, ख़ारिश एलर्जी की शिकायत होना और हाथ पांव की जलन होना या चेहरे पे दाने निकल आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये कासनी आप अगर खाली ही आप अगर आप इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम एलर्जी या फिर ये पिंपल्स वगैरह के लिए? इसके लिए बेहतर तो ये कासनी का ना अर्क मिल जाता है बाज़ार से, हाँ। वो आप अर्क ले लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पीने में भी आसानी रहेगी। और अर्क में अगर आप लेना चाहते हैं तो 3 अर्क आप ले लें, अर्क मको, अर्क कासनी और अर्क सौंफ। अर्क मको, अर्क कासनी और अर्क सौंफ, इन 3 अर्कों को आप ले लें। उन तीनों को लेके एक जग के अंदर डालकर ना मिक्स कर दें। आपने मिक्स कर दिया, फिर इन तीनों को जो है ना वापस अपनी सेम क्वांटिटी में, सेम क्वांटिटी में इसको आपने डाल लिया। उसके बाद आपने ये सारे तीनों मिक्स हो गए। अब ये मिक्स शुदा जो 3 अर्क हैं ये आप सुबह और शाम 2 टाइम एक छोटा चाय वाला जो कप होता है इंसान खाली पेट पिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ काला यरकान और पीला यरकान ये भी ख़त्म हो जाता है, चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ जाती हैं, झुरियाँ आ जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये भी इसके साथ ख़त्म हो जाती हैं, और खून की ख़राबी वो भी इसके साथ ठीक हो जाती है, और जिगर भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ठीक हो जाता है। किस टाइम लेना चाहिए ये? खाली पेट सुबह शाम 2 टाइम खाली पेट एक छोटा कप जो है चाय वाला वो आपने लेना है इन 3 अर्कों का। और साथ ये वाला जो नुस्खा है ये भी आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, कासनी के बीज और नीलोफर के फूल का। नीलोफर के ठीक है, और जो बाकी चीज़ें हैं ये किस चीज़ के लिए? बाकी चीज़ें ये साथ एक मैं ये रेमन खताई लेकर आया हूँ। रेमन खताई ये बहुत ही अच्छी माशाल्लाह जड़ी बूटी है। ये रेमन खताई आप ले लें, इसको लेकर इसको पीस लें, खाली सिर्फ रेमन खताई लेनी है। ये जिगर के अफाल के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। जिगर अगर आपका ख़राब हो गया है, आपको हेपेटाइटिस बी हो गया है, हेपेटाइटिस सी हो गया है, काला यरकान है, चाहे आपको पीला यरकान है, सिर्फ ये अकेली जड़ी बूटी आप ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतने बेबहा फ़वाद रखे हैं कि इससे आपका जिगर भी ठीक हो जाएगा। इसके साथ रेमन खताई के साथ इसको आपने सुबह शाम आधा चम्मच जो है छोटा जो है वो पिसा हुआ आपने खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद जो है वो मरीज़ इसको ले लें। और अगर ज़्यादा मसला आ रहा है तो फिर एक छोटा टी स्पून जो है छोटा चम्मच जो है खाने के बाद ताज़ा पानी के साथ इसका ले लिया जाए, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह जिगर के तमाम जुमला अमराज जो है वो ठीक हो जाते हैं। ये हम अपने मतलब के ऊपर इस नुस्खे को भी इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। इसे अगर आपको जरियानु दम है यानी खून अगर बॉडी के किसी भी हिस्से से खारिज हो रहा है, चाहे वो बवासीर का खून है, चाहे वो हैज़ का खून है, किसी किस्म का खून अगर एक्स्ट्रा आ रहा है इसके साथ वो भी बंद हो जाता है। जी, तो मतलब फिर ये एक्सेस में भी नहीं लेना चाहिए होगा ना? जी, ज़्यादती में भी नहीं हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मर्ज़ है तो फिर आप इसको लें, अगर मर्ज़ नहीं है तो फिर इसको नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ इसमें ये भी है कि ये जिगर को ठीक भी करता है, और उसके अलावा हेपेटाइटिस सी और अगर बी हो अल्हम्दुलिल्लाह कन्फर्म इसके साथ ख़त्म हो जाता है। अमूमन जिनका हेपेटाइटिस बिगड़ जाता है तो उनके पेट के अंदर पानी पड़ जाता है, जिसे इस्तस्का का मर्ज़ कहा जाता है। अब ये अगर आप रेमन खताई अगर आप ले लें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्तस्का के मर्ज़ को भी, पेट के पानी को भी बॉडी के अंदर से खारिज कर देती है। सिर्फ इसको पीस कर इसका हमने किस तरह से इसको यूज़ करना है? इसको पीस कर इसका सफूफ तैयार कर लें, पाउडर तैयार कर लें, और आधा चम्मच छोटा जो है चाय वाला सुबह शाम खाना खाने के बाद लें।
अगर आपके जिस्म के अंदर जिगर का मर्ज शिद्दत अख्तियार कर चुका हुआ है तो फिर आप इसको जो है एक टी स्पून पूरा जो है वो आप सुबह शाम खाना खाने के तकरीबन आधे घंटे के बाद ताज़ा पानी के साथ आप इसको लें। ठीक है, इसके साथ इंशाल्लाह जिगर के तमाम जुमला अमराज जो है वो ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बड़ी ही भरोसे की ये दवा है, खाली रेवंद खताई आपने लेनी, इसके साथ और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी कोई। रेवंद खताई जी, ये पंसार की शॉप से हमें इजीली अवेलेबल जी, ये आम पंसार की दुकान से आपको जो है वो मिल जाएगी। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं कि बहुत आसानी से मिलने वाली चीज़ है, भी सस्ती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और बाकी चीज़ें? बाकी चीज़ें जो हैं ये हमारे मतलब एक बड़ा अच्छा एक नुस्खा हम इस्तेमाल करते हैं। ये अगर किसी को हेपेटाइटिस सी हो चुका है, जिगर काला यकान, हाँ, काला यकान जिसको कहते हैं, जिगर में सोजिश की वजह से होता है, इससे जिगर सुकड़ना शुरू हो जाता है। और इसकी सबसे बड़ी जो निशानी ये है कि इंसान का चेहरे का रंग जो है वो स्याही माइल होना शुरू हो जाता है और पेट में पानी पड़ जाता है, और साथ जो है जब पानी पेट में पड़ जाता है इंसान को खून की उल्टियाँ भी आना शुरू हो जाती हैं और अक्सर इंसान जो है वो बेहोश भी हो जाता है और पूरी की पूरी बॉडी इंसान की जो है वो नकारा हो जाती है। बिल्कुल इंसान जो है ना वो ज़िंदा रहने की उम्मीद खो बैठता है कि भाई मैंने अब ज़िंदा नहीं रहना। और अमूमन डॉक्टर्स भी ऐसे पेशेंट को जो है ना वो जब देखते हैं कि हमने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया, ये बंदा ठीक नहीं हो, से लाइलाज करार दे देते हैं कि भाई इसे आप घर ले जाएँ, उसकी जाकर खिदमत करें, वहाँ पर ये वाला उसका हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ही काम आएगा। अच्छा, अगर किसी को मर्ज को ला इलाज कर दिया हेपेटाइटिस सी को तो ये नुस्खा काम आएगा? ये नुस्खा दें अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत सारे ऐसे मरीजों को दिया जो कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मरीज वो दिनों में ठीक हुए। आपने ये ले लेना है, ये धमासा बूटी है, धमासा बूटी ठीक है, ये धमासा बूटी से कहा जाता है। और साथ आपने ले लेना है ये गोरख पान बूटी, इसको कहा जाता है गोरख पान बूटी, ये भी आम मिल जाती है पंसार से, इंतहाई सस्ती हैं, बहुत ही सस्ती हैं। तो ये गोरख पान बूटी ले लें, साथ ये मंडी बूटी ले लें, मंडी बूटी इसे मंडी बूटी कहते हैं, ये ले लें आप, इनको बराबर वजन ले लेने की कोशिश करें। हम एक शरबत बनाते हैं सर, ये धमासा आप दोबारा से अगर दिखा दें जी। ये धमासा बेसिकली एक गोल सा एक पौधा होता है, ये कांटेदार होता है, इसके ऊपर सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं, इसको जब खुश कर लिया जाता है तो इस शेप के अंदर ये आ जाता है, इसे धमासा बूटी कहा जाता है। और ये इसके बेशुमार जिस्म के अंदर फ़वाद हैं, ये कैंसर को जिस्म से खारिज कर देती है, रहम के तमाम जुमला अमराज को ठीक कर देती है, औरतों को 18 का जो मर्ज लग जाता है इसके साथ ठीक हो जाता है, और मुकम्मल खून को साफ कर देती है पूरी बॉडी के। ठीक है, और यही फंक्शन इन दोनों बूटियों का भी है, ये भी गोरखपान बूटी मुसफ़ा खून है और जिगर के लिए आब हयात इसे कहा जाता है, साफ करती है जी, खून साफ करती है। और साथ ये मंडी बूटी, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुसफ़ा खून इसे कहा जाता है। अब ये चीज हम एक सिरप इख्तियार करते हैं अपने क्लिनिक के ऊपर जो हेपेटाइटिस सी और बी के मरीज़ों को हम देते हैं। अमूमन कई लोगों ने बेचारा आउट ऑफ कंट्री जाना होता है तो उनकी रिपोर्ट के अंदर जो है वो हेपेटाइटिस बी या सी निकल आता है, जिसकी वजह से बेचारे बाहर नहीं जा पाते, तो फिर हम ये वाला सीरप बनाकर मरीज़ों को देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीने से उनका 15 दिन के अंदर अंदर LFT टेस्ट जो है वो नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, और SGPT जो है वो भी जो ये एंजाइम जो है ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस्म के अंदर से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और LFT टेस्ट उनका जो है अल्हम्दुलिल्लाह इसके पीने के बाद एक ही बोतल से अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो जाता है। अब इसका शरबत बनाने का तरीकाकार ये है कि सारी चीज़ें 125 ग्राम आप ये ले लें धमासा बूटी, 125 ग्राम गोरख पान बूटी ले लें आप, और 125 ग्राम ही आपने मंडी बूटी ले लें, सेम उस ले लिए जी। आपने ये ले लिया, आप लेने के बाद 2 किलो पानी के अंदर रात को आप पानी के अंदर जो है इसको भिगो कर रख दीजिए, और सुबह के टाइम इसको अच्छी तरह जोश दें कि पानी 1.5 किलो के करीब रह जाए। जब 1.5 किलो के करीब पानी रह जाए तो उसके अंदर 3 पाव आप चीनी डालकर इसका कवाम तैयार कर लीजिए, इसका शरबत बना लीजिए। ठीक है, जब इसका शरबत बन गया तो इसके थोड़ा सा कोशिश करें कि शरबत इसका पतला रखें, ज़्यादा गाढ़ा इसको ना किया जाए। अब ये वाला जो शरबत आपने तैयार किया है ये सुबह शाम खाली पेट दिन में 2 मरतबा 4 चम्मच इसके आधा कप पानी के अंदर डालकर इसको खाली पेट पी लें। चाय का जो कप होता है आधा कप ले लें या पूरा कप बेशक ले लें, 4 चम्मच जो है सुबह शाम इसके जो है खाली पेट पीने से कन्फर्म 100% अल्हम्दुलिल्लाह पाक के फजल व करम से हेपेटाइटिस सी और बी जड़ से ही उखड़ के ख़त्म हो जाता है। और हेपेटाइटिस सी और बी की वजह से पूरी बॉडी में जितने भी अमराज पैदा हो चुके होते हैं इस अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खे की बरकत से वो भी ख़त्म हो जाते हैं। बहुत सारी इस वक्त कंपनियाँ इस शरबत को बनाकर जो है वो बड़े महंगे दामों से लाखों के हिसाब से जड़ी बूटियाँ यही हैं जी, यही जड़ी बूटियाँ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी अपने मतलब पर बना रहे हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। अगर आप कहते हैं शरबत बनाने में हमें परेशानी हो रही है या हमसे इतनी अलकस नहीं होती, तो इन तमाम चीज़ों को बराबर वजन ले लिया जाए, धुमासा और गोरखपान बूटी और मंडी बूटी इनको बराबर वजन ले लें। लेने के बाद इनको जो है पहले तो हम कोशिश करें कि ये इसको ना पानी के साथ धोकर वाश कर लें, इसमें मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है,
तो वो जब वाश आपने कर लिया फिर उसको साए के अंदर रख के आप खुश कर लें दोबारा, फिर ताकि गंद वगैरह सारा मिट्टी वगैरह निकल जाएगी अच्छी तरह, तो उसके बाद फिर आप जो है इसको पीस लें, ग्राइंड कर लें। ठीक है, ग्राइंड करने के बाद फिर इसी का जो है आप एक टी स्पून, एक छोटा चाय वाला चम्मच सुबह शाम खाली पेट ताज़ा पानी के साथ ले लें, और हम जैसे भी आपको यही फ़वाद जो है वो हासिल होंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छे नुस्खे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुझे भी दो बार पीला या कान की शिकायत हुई थी चंद साल पहले, लेकिन मैंने अनाप का इस्तेमाल किया था। अनाप कितना फ़ायदेमंद है जिगर के मराज के लिए? जी, अनाप जी देखिए, जो बेसिकली अनाप है ये सुरख कलर का बेर की तरह का एक होता है, ये बूटी है, और ये अनाप जो है ये भी अगर आप ले लें 5 से 10 अदर दाने रात को तोड़ के भिगो के पानी में रख दें सुबह पीने से, तोड़ के भिगोते हैं जी, तोड़ कर इसको ना भिगोएं ताकि असर अच्छी तरह पानी के अंदर आ जाता है। ये भी खाली पेट पीने से अनाप ही मुसफ़ा खून है, जिगर के तमाम जुमला अमराज को ठीक कर देता है। लेकिन ये अनाप जिगर की गर्मी के लिए बेहतरीन है, और आपके जिस्म पे पिंपल्स वगैरह निकल आए हैं चेहरे के ऊपर उनको ठीक कर देगा, या हाथ पाँव में जलन साड़ अगर हो रही है तो उसको ठीक कर देगा। ये हेपेटाइटिस बी और सी के लिए कारामद नहीं है। अच्छा, ये हेपेटाइटिस बी और सी के लिए नहीं, ए के लिए है। आम जो यरकान, यरकान हो जाता है उसमें काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुंचा देगा, लेकिन ज़्यादा अगर वो अगर मसला हो रहा है तो वो जो मैंने भी पहले आपको नुस्खा बताया नीलोफर के बीज और नीलोफर के फूल और कासनी के जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन कोई 25 साल से जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 25 साल पहले हमें ये नुस्खा मिला था, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा नहीं तो 1000 से ज़्यादा मरीजों को तो इस्तेमाल करवा चुका हूँ, सारे ही माशाल्लाह शिफा याब हुए। ज़बरदस्त। तो पहले हम उसके टेस्ट करवाते हैं नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले, उसके बाद जब नुस्खा इस्तेमाल करने के कितने दिन बाद दोबारा से टेस्ट करवाते हैं? जी, इसमें अगर तो आपको कंफर्म जिगर का कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको हेपेटाइटिस बी या सी है, ऐसे पेशेंट को तो हम कहते हैं कि हर 15 दिन के बाद या 10 दिन के बाद अपना LFT टेस्ट करवाएं। ओके। उसको हम देखते रहते हैं, अगर LFT टेस्ट अगर नॉर्मल बेहतर से होता जा रहा है तो इसका मतलब इंसान का जिगर जो है ना बेहतरी की तरफ आ रहा है। ठीक है, कम से कम 10 से 15 दिन बाद लाजमी टेस्ट जो है इंसान को करवा लेना चाहिए। और आम रूटीन में अगर सेहतमंद बंदा है, वो चाहता है कि मेरा जिगर ठीक है या नहीं ठीक, तो सेहतमंद बंदों को भी आजकल जिस तरह की हमारी खुराकें वो ठीक नहीं हैं, हमें उसके लिए चाहिए कि कम से कम हर 6 महीने बाद अपनी पूरी बॉडी का हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। करवाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ताकि पता चले कि जिस्म के अंदर कौन सी बीमारी जो है। लोग डरते हैं करवाते हुए ना, एक्चुअली कुछ ना कुछ निकल आएगा। नहीं, ऐसे नहीं, डरना नहीं चाहिए। देखें, अगर बार वक्त अगर किसी मर्ज की तशखीस अगर हो जाती है तो इसमें उसको वो ना मोहलक अमराज से बचने में वो कारामद साबित होती है। अब कई लोग ऐसे होते हैं, माइल हो चुकी होती है, आंखें पीली होती हैं, हम उनको कहते हैं यार तेरा जिगर ख़राब है, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ा सा मसला है, गर्मी और कुछ नहीं है। मैंने कई दफ़ा ऐसे मरीजों को कहा यार आप अपना LFT अपना टेस्ट करवाएं, आप लेकर आए मेरे पास, नहीं लेकर आते कोई भी, लेकिन जब बेड़ा गर्क हो जाता है सारे का सारा फिर भागते हैं, तो फिर जब टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर कहता है भी तुम्हें हेपेटाइटिस सी हो चुका हुआ है, जबकि शुरू में एकदम हेपेटाइटिस सी नहीं होता। जब अलामत आपके जिस्म के अंदर जाहिर होना शुरू हो गई हैं, सबसे जो बड़ी अलामत है आपके चेहरे की रौनक जो है इंसान की ख़त्म हो जाती है। अगर आपका चेहरा पहले से खिला खिला था, आपका चेहरा जर्द हो गया है, या आपका चेहरा स्याही माइल अगर होना शुरू हो गया है, और जिसमें भी ख़ारिश और एलर्जी की शिकायत रहना शुरू हो गई, तो फौरन आप समझिए कि आपका जिगर जो है ना वो ख़राब हो रहा है, फौरन उसका टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक हो गया। इसके साथ साथ एलोपैथिक जो दवाइयाँ ले रहे होते हैं हम डॉक्टर से, वो लेना ज़रूरी है या सिर्फ इस पर हम इन्हिसार कर सकते हैं? नहीं, देखिए बहन, अगर तो नॉर्मल अगर इशू है जिगर का तो फिर तो यही नुस्खाजात काफ़ी हैं। अगर तो आपको कन्फर्म हेपेटाइटिस सी अगर हो चुका हुआ है तो उसके लिए अगर आपको अगर आपने डॉक्टरी ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, जैसे इसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह डॉक्टर्स ने लगाते हैं या कुछ और भी बड़े बड़े अच्छे ट्रीटमेंट आ चुके हैं, वो आप करवा रहे हैं, फिर आप वही करवाएं, फिर ये नुस्खा जात साथ इस्तेमाल ना करें। ठीक हो। लेकिन अगर आपने वो अभी इलाज स्टार्ट नहीं करवाया तो फिर ये जो शरबत मैंने बताया है आप ये इस्तेमाल कर रहे हैं, अलहमदिल्ला अगर आपको अभी स्टार्ट ही हुआ है तो अलहमदिल्ला इसके साथ अल्लाह के फजल करम से 100% आपका हेपेटाइटिस सी जो है वो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगा, आपको इंशाल्लाह जो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी शिफा मन जाने बल्ला होती है, और किसी भी चीज़ से आपको किसी भी दवाई से आराम आ सकता है, तो दवाई के साथ साथ दुआ की भी ज़रूरत होती है, और दूसरों के लिए हमेशा आसानी करें।